बैक टू माई चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो है कुछ शॉपिंग मैंने की है अपने मेकअप की, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल तो है ही बट मार्केट से लिए तो वो कम भी है ज़्यादा भी है, तो जो भी है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप उन्हें बाय कर सकते हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बाय नहीं कर सकते। तो बहुत ही ज़्यादा तो ज़्यादा बातें हो गई, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो आइए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोडक्ट परचेज किया है, आप देख सकते हो ये है लॉरियल का। इस पर मैंने शैम्पू जो है वो चेंज किया है अपना, आप देख सकते हो ये शैम्पू मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, बट फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने से मुझे इतना अच्छा लगा है, इतने अच्छे फील हुए अपने बाल, तो बहुत ही प्यारे एकदम स्मूथ शाइनी हो गए हैं बाल, तो बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने लिया है लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर का शैम्पू, जो मैं एक्सटेंशो कैर यूज़ करती थी वो आता था 560 रुपीज़ का, देन ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 700 रुपीज़ का है आप देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है, क्वांटिटी भी कम लगती है, तो सारा कुछ मिला के बहुत ही अच्छा शैम्पू लगा मुझे। एक मैंने लिया है ये ग्लैम 21 का वाइट काजल, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा लूँ, तो मैं ऐसे ही शॉप पे ही चली गई, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो ये काजल बहुत ही अच्छा है, मैं हाईली रेकमेंड करूँगी ये काजल। अगर आप वाइट काजल कोई ढूंढ रहे हो तो ये वाला परचेज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है। सी तो मैं यहाँ पर लगा भी लेती हूँ, तो आप डिफरेंस देख सकते हो आईज में। मैं बहुत दिन से कुछ व्हाइट काजल वगैरह यूज करना चाह रही थी, तो आप देख सकते हो मेरी आंखें वैसे ही बड़ी बड़ी है ऐसे ही। तो मेरी आंखें वैसे ही बड़ी बड़ी और भी ज्यादा बड़ी हो गई अब तो व्हाइट काजल हम इसलिए यूज करते हैं कि आंखें थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगे, और वाकई भी बड़ी बड़ी लगती है इसलिए। तो ये हो गया व्हाइट काजल, और ये है 250 रुपीज़ का, तो बट जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही वैसे आपके मनी वेस्ट नहीं होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा है, आपने डेमोस्ट्रेशन भी देख लिया है, मैंने लगा दिया आपको, दिखा दिया कि कैसा और एक प्रोडक्ट मैंने है। लिया था ये बिंदी का पत्ता, आप देख सकते हो इस मैं ये बैकग्राउंड आई मीन ये ब्लर वाला बैकग्राउंड हटा देती हूँ। सी तो आप देखते हैं, तो आप देख सकते हो ये मैंने लिया है एक बिंदी का पत्ता, तो जिसमें बहुत ही प्यारी एक बिंदी मैंने है। या था ये मिनी ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे आप अपने अंडर आई और ऐसी जगहों पर यूज़ कर सकते हो, तो ये मैंने लिया था 100 रुपीज़ के, इसमें 8 पीस आए थे, जो एक तो आरब ने ही ले लिया, छोटा सा अच्छा लग रहा था इसीलिए, और एक मैंने यूज़ कर लिया है इसमें से, तो अच्छा है ऑलमोस्ट, मुझे अच्छा लगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है इसका मैंने यूज़ भी किया है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लिप ग्लॉस है, तो ये लिप ग्लॉस मैंने लिया है, इनसाइड का लिप ग्लॉस है। अगर आप कोई भी यूज़ करना चाहते हो लिप ग्लॉस, तो 81 रुपीज़ का ये लिप ग्लॉस आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके का, और ये लगने के बाद इस तरीके का लगेगा, तो गाइस बहुत ही प्यारा लगता है लिपस्टिक लगा के, आप देख भी सकते हो। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा भी है कि दीदी आपने क्या लगाया है, तो आप देख सकते हो लिपस्टिक पे आप इसे लगा लोगे तो क्या शाइन आ जाएगी, बहुत ही प्यारी ऑसम लिपस्टिक लगती है। अगर आप इसे न्यूड पे लगाओगे तो और भी ज्यादा प्यारी लगेगी, मैंने इसे न्यूड शेड पे लगा रखा है, तो बहुत ही एक अच्छा मेरे लगा। पास था लिपस्टिक का शेड, मैंने मंगवाया था NYB का प्राइमर मैट लिपस्टिक, जो कि मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, अभी भी मैंने वही वाली यूज कर रखी है। देन मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला शेड है, जिसका शेड है शेड नंबर 10, तो बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है। देन मैंने डार्क शेड लिया है इसमें मेहरून, तो बस एक ही पीस लिया था, तो मैंने सोचा इसी में मिक्स कर देती हूँ, अलग से क्या दिखाऊं, तो आप देख सकते हो। और ये शेड है शेड नंबर 8, तो ये डार्क मेहरून शेड है, तो ये कुछ इस तरीके का है, तो लगने के बाद बहुत ही प्यारा वाला है। और ये मैंने लिया है 200 रुपीज़ की गाइज, ये कम बढ़ती होती रहती है हमेशा, तो आप देखते रह गए, बट अगर आप कोई अच्छे से लिपस्टिक ढूंढ रहे हो बहुत ही अच्छी वाली, तो आप एक इस मैंने पे लिया जा था सकते ये हो। मार्स मार्स का लिक्विड आई शेडो, सी तो ये कुछ इस तरीके का है, तो गाइज बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है, इसको अच्छे से आप ऐसे डैब डैब करके अपने आईज पे लगा सकते हो। सी
इसके इनर कॉर्नर पे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा लिया है। पहले ही मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी लग रही थी काजल से, और ज़्यादा बड़ी हो गई जैसे ये, तो मैं आपको सारा यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। देन एक और मैंने लिप ग्लॉस लिया था, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टेंटेड है, तो ये इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये भी उसी प्राइस में मिला है 81 में। पहले मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैंने सोचा नहीं यार फर्स्ट टाइम खरीद रही हूँ इसीलिए एक बार ही जाके मैं शॉप से ही परचेज कर लेती हूँ, तो ये इजीली शॉप से मिल गया था मुझे। आप देख सकते हो पिंक शेड है, इसको आप ब्लश में भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। सी, तो अगर आप कोई ब्लश ढूंढ रहे हो, मतलब जो लिक्विड ब्लश आते हैं वो थोड़े ज़्यादा हैवी हो, मतलब हैवी रेंज के हो जाते हैं, तो नहीं बाय कर सकते हो, तो आप ये बाय कर सकते हो। सी, तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से आप करके ऐसे ऐसे डैप करके, सी, तो आप इसे लगा सकते हो, ठीक है। देन एक मैं आपको और बताना चाहूँगी, ये जो ब्लश मैंने अभी अप्लाई कर रखा है बहुत ही प्यारा था, ये मैंने खुद से बनाया था, और ये कैसे बनाया था तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो ये भी मैंने परचेस किया है 81 रुपीस में। देन जो भी मैंने प्रोडक्ट बाय किए हैं मार्केट से वो अच्छे प्राइस में किए हैं। और एक मैंने ली थी ये ओलिविया की ब्लीच जो कि है 20 रुपीस की, और कुछ नेल पेंट्स बाय किए थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तो स्विस ब्यूटी का बाय किया था 2 नेल पेंट, देन एक ये वाला किया था। ये ऐसी लोकल ब्रांड है काजल, काजल करके 7 डेज ऐसे कुछ। तो ये हो गई हमारी मार्केट की शॉपिंग, और मैं आगे वीडियोस आपको दिखाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी मैंने मीशो से क्या क्या परचेज किया है, वो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करनी पड़ेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देन वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आपको पता है मैंने पहले ही बोल दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।